सौ करोड़ रुपए का बजट बनाया है। ये बात तो हम लोगों को उन्होंने उठाई है और हमारे कल्याण विभाग के, समाज कल्याण विभाग के जो हमारे कार्यकारी के लोग हैं, हमारे बड़े उच्च अधिकारी लोग हैं और असीम अरुण जी हैं, इस बात को हमारे बार बार इसलिए उठा रहे हैं कि किन्नरों का कल्याण, और बल्कि उन्होंने 208 करोड़ रुपए का बजट पास किया है और वो हो रहा है, उस पर काम चल रहा है और किन्नरों के उत्थान के लिए, किन्नरों की जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए ये कार्य आगे प्रयास भी हो रहा है, उसको पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। और हम सब किन्नर समाज के लोग, हम अपने मंत्री जी के साथ, असीम अरुण जी के साथ साथ हैं और सोनम जी के साथ जी। जिस तरीके से देखा जाए, आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आया जो 6.10 हजार करोड़ का है, तो इसमें किन्नर समाज के लिए क्या सोच रहे हैं आप, कितना क्या अच्छा है? जो देखिए, जो अभी पास हुआ है, बाबा महाराज जी ने जो पास किया है उस बजट को, उसमें देखिए किन्नर समाज के लिए भी है, क्योंकि वो तो वो खुद तय करेंगे अभी विभागों को, विभागों कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे देना है, वो तो बाबा ही जी तय करेंगे। और जितने पदाधिकारी हैं, जो बड़े उच्च स्तर पे अधिकारी हैं, मेरे कल्याण विभाग वाले और विश्वास विभाग वाले, ऊर्जा मंत्री, जिसको जिसको जिस तरह से उनको करना है वो अपने हिसाब से करेंगे। और बाकी हमारे किन्नर समाज के लिए तो 208 करोड़ का बजट ये तय है।